नमस्कार, एक बात करें आपसे। देखिए ना, कोविड के कारण पूरे देश के लोग गुरुग्राम में जाके एडमिट हो रहे हैं। यहाँ बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है, छोटे छोटे हॉस्पिटल भी है, लेकिन इन सब हॉस्पिटलों में मरीज तो पूरे देश के आ रहे हैं। अगर बात होती गुरुग्राम के मरीजों की तो हम तुरंत इसकी समस्या को हल कर सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी ली है गुरुग्राम ने पूरे देश के मरीजों को ठीक करने की, और एक जिम्मेदारी और ली है कि उन्हें समय पर प्लाज्मा मिले, उन्हें ब्लड मिले। साथियों, इसके लिए आपकी हमारी भूमिका हो सकती है। जिला प्रशासन ने और रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिम्मेदारी ली है कि वो सामाजिक संगठन जो प्लाज्मा पे काम कर रहे हैं उनको साथ जोड़ा जाए, तो हमने कैनविन को जोड़ा है। और भी सामाजिक संगठन है जो इस काम के लिए आगे आ रही है, और हाँ, और भी सामाजिक संगठन हमारे साथ आ सकते हैं इस काम के लिए। एक बात करें आपसे, देखिए ना, मान लीजिए मैं महाराष्ट्र से आया, या मैं यूपी से आया, या मैं बंगाल से आया, या मैं दक्षिणी भारत से आया, मैं आया तो अकेला हूं ना, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी कौन लेगा? उस व्यक्ति का जिम्मेदारी लेगा गुरुग्राम वासी, या वो व्यक्ति जिसको कोविड हुआ है और जो अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। साथियों, हमने एक टीम बनाई है, ये टीम सबको दूरभाष पर फोन करेगी, कॉल करेगी, पूछेगी, उनकी स्वेच्छा से प्लाज्मा देना चाहते हैं इसके बारे में बात करेगी। तो आप इसके लिए आगे आइए। मेरा निवेदन है, अगर आपको लगता है कि हम लोगों का जिंदगी बचा सकते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो आप रेड क्रॉस सोसाइटी से संपर्क कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर 9416464748। कृपया आप संपर्क करें। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर प्लाज्मा हर व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है उसको उपलब्ध करवाएं, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ होंगे। मैं इंतजार करूंगा। एक बात करें लास्ट में आपको, जीते जी रक्तदान, मरण उपरांत नेत्रदान, लेकिन हम किसी को मरने नहीं देंगे, हम जिंदा रखेंगे अपना प्लाज्मा देकर। नमस्ते, जय हिंद।